नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड है। वर्मी कंपोस्टिंग करते समय कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ रखी जाए जिससे आप शुरुआती दौर से ही एक सफल वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकें। कई बार क्या होता है, नॉलेज की कमी के कारण छोटी छोटी चीज़ें जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, जानकारी के अभाव के चलते हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। आज जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की है। मैं आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी अपना वर्मी कंपोस्टिंग का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं तो शुरुआती दौर से इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। 10 पॉइंट्स हैं और 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यदि एक भी आप स्किप करते हैं तो आप ही का नुकसान होगा। तो आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा काम है जिसे आप बहुत कम लागत के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ पूरे नॉलेज की, पूरी लगन की, पूरी मेहनत की। अगर ये चीज़ें आपके साथ में हैं तो आप चाहे गृहिणी हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, नव युवक हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आइए आज उन बिंदुओं पर बात करते हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप एक सफल तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग का व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आती है स्थान का चुनाव। जी हाँ, आपको वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए जो जगह आप चूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका खेत हो या पक्की जगह हो, जो भी जगह हो, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वहाँ पर पानी का निकास प्रॉपर हो, किसी भी जगह पर पानी रुक नहीं रहा हो, जम नहीं रहा हो, हल्का सा ढलान हो जिससे अगर तेज बारिश भी हो तो एक्स्ट्रा जितना पानी है वो बह जाए, कहीं पे भी पानी का स्टोरेज नहीं हो। पानी का स्टोरेज अगर होगा दोस्तों तो जिस जगह पर पानी रुकेगा उस जगह का केचुआ आपका पूरे तरीके से मर जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जगह का जब भी चुनाव करें तो ध्यान दें कि जगह समतल हो, हल्का सा ढलान हो, पानी का कहीं भी जमाव नहीं हो। चाहे फिर आपकी जगह कच्ची हो या पक्की सड़क पे आप करें, कोई समस्या नहीं है, ये हर जगह पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरी बात आती है बेड की ऊंचाई और चौड़ाई। जब आप वर्मी बेड प्रिपेयर करते हैं तो आपको उसकी ऊंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ऊंचाई कुछ ज़्यादा कर दी तो उसमें वायु का जो संचरण होता है, जो एयरेशन होता है, वो प्रॉपर नहीं होगा और धीरे धीरे आपका बेड कड़ा हो जाएगा और ना ही केचुए प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो आपको मैक्सिमम 1.25 से 1.5 फीट तक का हाइट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, स्पेशली गर्मियों में आपको इतना ही रखना है। इससे कम रखेंगे तो आप चल जाएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गर्मियों में आपने बेड की थोड़ी भी ऊंचाई ज़्यादा रखी तो उसमें गैसेस बनने लगेंगी, जब गैसेस बनेंगी तो आपका केचुआ मर जाएगा। इसलिए स्पेशली आपको हाइट का ध्यान रखना है कि 1.25 से 1.5 फीट की हाइट सफिशियंट होती है वर्मी बेड के लिए, इससे ज़्यादा हमें हाइट नहीं रखना है। और रही बात चौड़ाई की, चौड़ाई आप 3 फीट रखिए। 3 फीट हम क्यों बोल रहे हैं 3 फीट रखिए, जब आप खाद का उतार करेंगे तो आप एक साइड से उतार करेंगे तो 1.5 फीट तक आपका हाथ जा पाएगा, दूसरी साइड से जब आप उतार करेंगे तो फिर 1.5 फीट तक आसानी से उतार पाएंगे। ये एकमात्र रीज़न होता है कि चौड़ाई इतनी रखी जाती है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए चौड़ाई कोशिश कीजिए 3-3.5 फीट हो, इससे ज़्यादा ना हो। और रही बात लंबाई की, तो लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कितनी भी ले सकते हैं, 20 फीट, 30 फीट, 25 फीट, जैसी भी आपकी सुविधा हो, जितना भी लेंथ आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हमें चौड़ाई और ऊंचाई का ध्यान रखना है, लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जो गोबर आप यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप गोबर को पूरे तरीके से ठंडा कर चुके हों, गोबर में किसी भी तरीके की कोई गैसेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए गोबर आपको 8 से 10 दिन पुराना कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बारिश के मौसम में तो 20-25 दिन पुराना गोबर भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इतनी जल्दी वो डीकम्पोज नहीं होगा। तो आप जब गोबर यूज़ करें तो ध्यान दें कि उसकी गैसेस पूरे तरीके से
निकल चुकी हो। उसके अलावा एक पॉइंट और होता है कि आप जहाँ से गोबर ले रहे हैं, कोशिश कीजिए वो जो जगह है, वो जो फ्लोर है, जो गौशाला है, जहाँ से भी आप गोबर अरेंज कर रहे हैं वो पक्का हो, वहाँ पर ज़्यादा मिट्टी या ऐसा गीलापन ना हो, क्योंकि जब आप गोबर लेंगे ना तो उसके साथ में उस जगह की मिट्टी भी साथ में आ जाएगी। तो जिस टाइम आप बेड बनाएंगे उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपकी खाद कंप्लीट होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, या जो भी ग्राहक लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ मात्रा मिट्टी की भी है। तो कोशिश कीजिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, फिर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि गोबर में अगर मिट्टी का कोई हिस्सा आया है तो आप लेबर को बोल के उसे पहले ही हटवा दीजिए, मिट्टी बेड के अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो आइसिनिया पेटेटा प्रजाति का जो केचवा होता है वो गोबर ही खाता है, वो सिर्फ 10% तक मिट्टी के साथ सर्वाइव करता है, बाकी वो गोबर ही खाता है। तो आपको जो गोबर लेना है वो पक्के फ्लोर का लेना है जहाँ तक पॉसिबल हो। कई बार ऐसा होता है गौशाला में, ये स्थिति नहीं होती है कि पक्का फ्लोर हो तो ठीक है, पर उस टाइम आप ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी साथ में ना जाए। आप जो लें वो सिर्फ और सिर्फ गोबर का ही आपका बेड प्रिपेयर हो, और गैसेस का स्पेशली ध्यान रखिए कि गोबर में किसी भी तरीके की गैसेस ना हो। आप हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं कि आपका गोबर ठंडा हो रहा है या नहीं। गोबर ठंडा करने पे मैं एक विस्तार में आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगी। अगर किसी को डाउट हो कि गोबर ठंडा कैसे करेंगे, उसमें लगातार पानी का स्प्रे करना होता है, निरंतर उसमें सुबह शाम आपको पानी देना होता है, जिससे आपका गोबर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है और केचुए के लिए एकदम परफेक्ट खाना होता है। तो ये तो बात हो गई गोबर की। अब जब आपका बेड प्रिपेयर हो गया है, गोबर डल चुका है, अब जब हम केचुए डालते हैं तो कई बार जब वी आर आप जब नए होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि केचुए कैसे स्प्रेड करने हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी आप केचुआ फैलाएं पूरे बेड पे एक सार आपको केचुआ फैलाना है। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बेड का ये हिस्सा रह गया है, यहाँ पर मैंने केचुआ नहीं डाला है। पूरे बेड पर आपको प्रॉपर तरीके से एक सार करके सारा केचुआ स्प्रेड कर देना है। क्या होगा इससे, अगर आपने मान लीजिए केचुआ किसी जगह पर आपने नहीं डाला है, रह गया है, तो वहां से आपका बेड कच्चा रह जाएगा, वो जगह सिर्फ गोबर ही रह जाएगी, वो खाद में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप जब केचुआ बिछाएं, केचुआ डालें, तो ध्यान से खड़े रहकर ये काम करवाएं कि केचुआ प्रॉपर तरीके से पूरे बेड पर स्प्रेड होना चाहिए, कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जहां तक केचुआ ना पहुंचा हो। अब गोबर डल गया, बेड बन गया, केचुए आपने स्प्रेड कर दिए, इसके बाद में बात आती है कवर करने की। जब भी बेड को कवर करें, चाहे पराली से करें, चाहे डाट की बोरियों से करें, गन्ने की पत्तियों से करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसे जब भी कवर करें सिर्फ ध्यान इतना दें कि बेड पूरे तरीके से कवर हो चुका हो, कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो ओपन रह गया हो। देखिए होगा क्या, आपने सोच लिया कि इतना सा हिस्सा रह गया है, इस पे कहाँ एक और अलग से बोरा डालूंगा, तो आप उस टाइम पे तो ये चीज स्किप कर दे रहे हैं, पर उससे क्या होगा, वहां पर जो केचुआ उपस्थित है उस पर सनलाइट आएगी, सनलाइट या रोशनी जब आएगी तो वो उस स्थान को छोड़ के भाग जाएगा, वो जहां पर आपने बोरियों से ढक रखा उस साइड मूव हो जाएगा, तो वो जो आपका पैच है वो फिर से खाद में कन्वर्ट होना रह जाएगा। इसलिए पूरे बेड को अच्छे से कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी करें तो प्रॉपर तरीके से देखें कि बेड का कोई भी हिस्सा, चाहे शुरू हो, अंत हो, बीच में हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए, टाट की बोरी हो, पराली हो, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। अब हमारा बेड पूरे तरीके से बन चुका है। अगला पॉइंट आता है पानी। बेड में नमी आपको एकदम प्रॉपर रखनी है, ना आपको नमी ज़्यादा रखनी है, ना आपको नमी कम रखनी है। अगर आप नमी ज़्यादा रखेंगे तो केचुआ सिर्फ पानी के साथ में सर्वाइव कर जाएगा। केचुए के बॉडी में 90% तक पानी होता है, उसे खाने की उतनी ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप उसे ज़्यादा पानी देंगे तो ही विल बी हैप्पी, उसे सिर्फ पानी ही चाहिए, पानी पी के वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। लेकिन उस केस में आपका जो बेड है, जो खाद बनना है, वो कम हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। जो साइकिल आपका 30-35 दिन में पूरा होना चाहिए वो लंबा खिंच जाएगा। इसलिए बेड में पानी की अधिकता नहीं होने देना है। अब हमें बेड में पानी की कमी भी नहीं होने देना है। अगर पानी की कमी आप करेंगे तो आपका बेड कड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा तो काम करने की जो प्रोसेस है केचुए की वो बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत धीमी गति से वो काम करने लगेगा, क्योंकि उसके लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा बेड के अंदर। इसलिए आप ध्यान दें कि ना पानी की अधिकता हो, ना पानी की कमी हो,
बेड को जितनी जरूरत है उतना ही पानी दें। मैंने पानी के ऊपर वर्मी बेड में पानी कैसे दें इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप देखिएगा कि हम पानी को कैसे मेंटेन करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन पानी खाद का हो चाहे वो प्रोडक्शन केचुओं का हो। सिर्फ पानी देने का जो हेर फेर है उसी से आपकी ये दोनों चीज़ों का तालमेल अच्छे से चल सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वर्मी बेड में उतना ही पानी दें जितना कि रिक्वायर्ड है। अब समय 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 पे आपने पानी दे दिया है, बेड कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आपको समय समय पे चेक करना है कि बेड का कोई भी हिस्सा कड़ा ना हो गया हो। कई बार क्या होता है आप रेगुलर चेक नहीं कर पा रहे हैं बेड, किसी कारण से बेड के ऊपर खरपतवार उग गई है, घास उग गई है, तो उस केस में भी आपका बेड जो है उस हिस्से से कड़ा हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा अपने बेड को और अपने बेड के आसपास की जगह को पूरे तरीके से साफ रखिए, किसी भी तरीके का खरपतवार ना हो वहाँ पर, किसी भी तरीके का कचरा ना हो और पानी की कमी भी ना हो। बेड का कड़ा होना मतलब एक अच्छा खासा नुकसान आपको बियर करना पड़ जाएगा पर्टिकुलर उस बेड के साथ में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका बेड कड़ा ना हो, और इन केस अगर आपका बेड कड़क हो गया है तो आपको उसे पलटाना होगा, बेड को लूज करना होगा। जब आप उसे लूज करेंगे तो एरेशन प्रॉपर होगा और आपका बेड फिर से गति पकड़ लेगा। तो इसलिए हमेशा चेक करते रहिए कि आपका बेड कड़ा तो नहीं हो रहा है, आपके बेड पे कहीं पे खरपतवार या घास तो नहीं उग गई है, अगर उग गई है तो तुरंत उसे निकलवा दीजिए। अब बात आती है खाद के उतार की। कई बार हम जब शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कितने दिन में हम खाद का उतार करें, हमारी खाद पक गई है कि नहीं पक गई है। देखिए खाद का बन जाना और खाद का पक जाना दो अलग अलग चीजें होती है। कई बार हम ऊपर की लेयर देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ अब खाद बन गई है उतार लो, 20-22 दिन हुए हैं, कोई बात नहीं, केचुआ हो सकता है ज्यादा पड़ गया हो तो फटाफट हो गई हो, पर ऐसा नहीं होता है। खाद को पकने में भी समय लगता है, तो आप 30 से 35 दिन बाद पहला उतार लीजिए। 30 से 35 दिन बाद निश्चित रूप से आप पहला उतार ले लीजिए। ये भी मत सोचिए कि एक साथ उतार कर लेंगे, पूरे बेड का एक साथ उतार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब धीरे धीरे खाद ऊपर से उतारना शुरू करेंगे तब केचुआ नीचे जाना शुरू करेगा, जब वो नीचे जाएगा तब वो नीचे का जो गोबर है उसे खाकर खाद में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पूरे बेड का आप एक साथ उतार ले पाए, आपको इसमें समय लगेगा। पहला साइकिल आपका 30 से 35 दिन में आराम से पूरा हो जाएगा, बहुत बेहतरीन खाद आपकी तैयार हो जाएगी। 30 से 35 दिन में आप पहला उतार ले लीजिए, उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप चेक करते रहिए और खाद का उतार लेते रहिए। हमेशा एक साथ उतारने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा, समय समय पे खाद का उतार कीजिए ताकि केचुआ उसकी स्पीड के हिसाब से नीचे उतरता जाए और गोबर को खाद में कन्वर्ट करता जाए। अब ये तो बात हो गई खाद को उतारने की, लेकिन स्पेशली खाद उतारते समय आपको ध्यान रखना है कि आप हाथों से या अगर किसी औजार का भी यूज कर रहे हैं तो ध्यान दें कि केचुआ पूरे तरीके से नीचे उतर गया हो। ऐसा नहीं हो कि केचुआ ऊपरी सतह पर ही घूम रहा है, क्लाइमेट के कारण, नमी के कारण, जो भी रीजन हो, कई बार केचुआ नीचे नहीं उतरता है, ऊपरी सतह पर कुछ देर ठहर जाता है कि मौसम अगर धूप नहीं है, जैसा क्लाइमेट आप अभी देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बादल है, अगर ऐसा भी रहता है तो केचुआ नीचे आसानी से नहीं उतरता है, आपको उसे समय देना पड़ता है। तो प्रॉपर समय दीजिए, उसे आराम से नीचे उतरने दीजिए, उसके बाद में आप खाद का उतार कीजिए, क्योंकि अगर आप वैसे में ही खाद उतार लेंगे तो खाद के साथ में केचुआ भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आपकी खाद में आ जाएगा, जो कि फालतू नुकसान होगा, केचुआ भी परेशान हो जाएगा। इससे बेटर है कि थोड़ी देर रुकिए और आराम से खाद उतारिए। अगर औजार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए केचुए को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, हर्ट ना हो। तो ये बात हो गई आपकी खाद के उतार की। अब बात आती है बेड कंप्लीट हो गया, खाद उतर गई, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको करनी है, खाद उतारने से लेकर भंडारण तक जो बीज का प्रोसेस है उसमें आपको उतारना भी है, इकट्ठा करना है, छनाई भी करनी है, पैकिंग भी करनी है। हो सकता है अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं है, 2 महीने बाद ऑर्डर आएगा, तो उस बीज तक मुझे उसका भंडारण करके रखना है। तो ये जो पूरा समय है, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपको खाद के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी खाद पूरे तरीके से सूख गई कि आपने उतार के एक रूम में रख दिया है कि छायादार स्थान है, कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है।
आपको खाद में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना ही होगा, तभी आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। और जब आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तभी आपका कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाइड होकर नेक्स्ट टाइम फिर से आपके पास आएगा। ये एक बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, बहुत समझने वाली बात है कि जब हम क्वालिटी सर्व करेंगे तभी हमारा क्लाइंट रिटर्न हमारे पास आएगा। तो जब आप भंडारण करें तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि हमें नमी मेंटेन करके रखनी है। सिर्फ एक बार भर के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, समय समय पे आपको उस पर पानी का छिड़काव करते रहना है। सिर्फ पानी के छिड़काव से आप उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने 10 पॉइंट आज आपके साथ में शेयर किए हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप शुरुआती दौर से ध्यान रखिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, ये एक चीज़ सही है, पर कोशिश कीजिए कि आपको ठोकर ना लगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको वर्मी कंपोस्टिंग में किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये व्यवसाय शुरू करने वाले हैं या आपके कोई किसान भाई या कोई दोस्त इस व्यवसाय को शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप किसी अन्य टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर फसल पर यदि डिटेल में जानकारी चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हर संभव सहायता हमारे द्वारा की जाती है। थैंक यू।